नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे, ठीक है, और वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? तो ये थी आपकी टेनिस से। क्वेश्चन दूसरा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो याद रखना, खेल कूद के लिए। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा चौथा, माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन है पांचवा, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो आपका अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा छठवां, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो ये थे आपके क्रिकेट से संबंधित। क्वेश्चन है हमारा सात, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? इस तरह के आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी हो फिर या न कोई वन डे एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। स्पर्श रेखा आपकी कबड्डी से संबंधित है। क्वेश्चन है आठवां, 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? यह आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन है हमारा नौवां, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है यूकी भावरी का संबंध टेनिस से, पहले भी देख चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन हम लोग। यही क्वेश्चन है हमारा 11, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो खेल कूद के लिए। ठीक, क्वेश्चन है हमारा 12, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? सानिया मिर्जा किस खेल के लिए चर्चित हैं? तो यह आपकी लॉन टेनिस। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 13, अपरकट किस खेल से संबंधित है? अपरकट आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। याद रखिए, इस तरह की आपकी जो भी पीडीएफ होती है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, ठीक है, वहाँ से देखते रहिए आप लोग। क्वेश्चन है हमारा 14, खो खो में कितनी क्रॉस लेंथ होती हैं? तो इसमें होती हैं 8। क्वेश्चन है हमारा 15, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। इन्हीं के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ठीक, ये आपका एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है, पता है, खेल दिवस के बारे में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 16, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? पृथ्वीपाल सिंह है, अशोक कुमार है, जीएस रामचंद्र नहीं है, बलवीर सिंह है। ठीक है, तो इसमें सी होगा आपका। क्वेश्चन है हमारा 17, माइकल फिलिप्स
ये आपके तैराकी से संबंधित है। सर ड्रॉन ब्रेडमैन ने किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो क्रिकेट सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 19, क्या है, किस ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? नौवे क्वेश्चन है हमारा 20वां, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 21, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्वेश्चन है 22, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन है हमारा 23, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। क्वेश्चन है 24, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? मणिपुर। क्वेश्चन है हमारा 25, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये थे आपके तुर्क। क्वेश्चन है हमारा 26, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, माना जाता है? तो यह भारत का, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश भारत को कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा 27, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो यह आपका भारत। क्वेश्चन है हमारा 28, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो है इंग्लैंड। क्रिकेट खेल का जन्मदाता आपका इंग्लैंड है। क्वेश्चन है आपका 29, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई थी आपकी ऑस्ट्रेलिया में। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। डी ऑप्शन सही है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। सी ऑप्शन सही है 31 में। क्वेश्चन है हमारा 32, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। 6 बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? कार्ब बॉल। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है हमारा 37, किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट। क्वेश्चन है हमारा 38, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है?
है सर्गेई बोबकाका, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 39। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। सेन वान को, क्वेश्चन है 40। ग्रेट लिलियर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो ये आपका डिकी बर्ड। क्वेश्चन है हमारा 41। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है, क्रिकेटर का? तो सचिन तेंदुलकर का, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर आपके सुनील गावस्कर को कहा जाता है। क्वेश्चन है 43। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं आपके हरभजन सिंह, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 44। पोल वाल्ट के बादशाह सर्गेई बोबका का संबंध किस देश से है? तो ये आपके यूक्रेन के हैं। साइकिलिंग का खेल परिसर का क्या कहलाता है? वेलोड्रम। क्वेश्चन है 40। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? रिंग, रिंग ना कि रिंग। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 47। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? एरिना। क्वेश्चन है हमारा 48। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? फिजी से। क्वेश्चन है आपका 49। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे रिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंक। क्वेश्चन है हमारा 50। किस खेल का खेल परिचय कोस कहलाता है? गोल्फ का, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारा 51 क्या है? निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? डेविस कप का, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 52। यूरो कप किससे संबंधित है? यूरो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन है 53। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये आपके 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन 54। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 में। क्वेश्चन है 55। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखना है 20.12 मीटर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 56 क्या है? क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो यह आपकी 38 इंच।
क्वेश्चन है हमारा 57। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? ये आपकी 27 इंच यानी कि 27 इंच। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 7.32 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 3.66 मीटर। 59वें क्वेश्चन में आपका सी है। क्वेश्चन है हमारा 60। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई होती है आपकी 1.59 मीटर यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 61। खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंथ होती हैं? 8। क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो ये आपका होता है पोलो का, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 63। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? 8 गज से। 63 में आपका बी है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा 64। पोलो के मैदान का आकार होता है 270 मीटर × 180 मीटर, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 65। विश्व विख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये है आपके लॉन टेनिस, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 66। शतरंज के विषाद पर कुल कितने घर होते हैं? तो याद रखिए 64। वैसे खेल से संबंधित आपके क्वेश्चंस के लिए करंट से जुड़े रही है, क्योंकि करंट के आपके क्वेश्चंस खेल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये आपके स्थाई हैं, ये कभी बदलेंगे नहीं, क्योंकि शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर हैं तो ये 64 हैं। अब ऐसा नहीं है कि 48 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, तो ये आपके स्थाई पार्ट होता है, इनको आप लोगों को याद रखना पड़ता है हमेशा। और करंट जो होता है उसमें हम जो बदलते रहते हैं आंकड़े, उनसे परिचित रहिए, बस आपका काम हो जाएगा इतने में। क्वेश्चन है हमारा 67। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो ये आपके 8 होते हैं। क्वेश्चन है हमारा 68। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड्स को। क्वेश्चन है हमारा 69। मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? मेडिसन स्क्वायर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 70। बारावती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ये आपका कटक में स्थित है। 70 में आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 71। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 72। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन है 73। ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? यह आपका कोलकाता में स्थित है। 73 में आपका ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन है हमारा 74। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में।
क्वेश्चन है हमारा 75। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है आपका दिल्ली में। क्वेश्चन है हमारा 76। सवाई मानसिंह स्थित है जयपुर में। क्वेश्चन है हमारा 77। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका 78। सुधीर मन कब किस खेल से संबंधित है? यह आपका बैडमिंटन से संबंधित है। 78 में आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 69। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। क्वेश्चन है 80। रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? यह आपका फुटबॉल से संबंधित है। रॉबर्ट्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन है 81। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? यह आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 82। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा 83। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। क्वेश्चन है 84। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइनामैन शब्द आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन 85। डबल फोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। डबल फोल्ड शब्द आपका टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा 86। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो वे आपके निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 87। विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपकी स्पेन से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका 88। सयाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से कौन फॉर्मूला वन से संबंधित है? तो ये है आपके नारायण कार्तिकेयन। क्वेश्चन है हमारा 90। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं? ये आपके गोल्फ से संबंधित हैं। विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? टेनिस। क्वेश्चन है आपका 52। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने में। क्वेश्चन है 93। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ICC। क्वेश्चन है 94। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IHF। क्वेश्चन है हमारा 95। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो ये आपकी विंबलडन। ए ऑप्शन सही है 95 में। क्वेश्चन है हमारा 96।
क्या है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वर्क वर्कर का प्रदान किया जाता है? तो यह आपका मुक्केबाजी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 97। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो यह आपका पोलो खेल से। क्वेश्चन है हमारा 98। क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज की माप होती है 4 फुट की। क्वेश्चन है हमारा 99। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? 18। क्वेश्चन नंबर 99 में आपका बी है। क्वेश्चन है हमारा 50। पेनाल्टी स्टॉप कितने फासले से मारा जाता है? पेनाल्टी स्ट्रोक आपका 8 गज से मारा जाता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। 101 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है?